नमस्कार, मेरा नाम है हेमंत बघेल और आप हैं इस समय हेमंत बघेल क्लासेस में। आज हम चर्चा करने वाले हैं छत्तीसगढ़ के संगीत एवं नृत्य, जो कि ये मेरा तीसरा वीडियो है। इससे पहले मैंने छत्तीसगढ़ के गीत और छत्तीसगढ़ के नृत्य संबंधी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। इस भाग में हम देखेंगे छत्तीसगढ़ की लोक गाथाएं, लोक कलाएं और जो लोक नाट्य और जो भी बचा हुआ है उसको हम इसमें पूरा कवर करेंगे। ये जो है संगीत एवं नृत्य का आखिरी वीडियो होगा। संगीत एवं नृत्य, इससे जो है छत्तीसगढ़ में सीजी व्यापम हो अथवा सीजी पीएससी हो, उससे प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं छत्तीसगढ़ की लोक गाथा है। लोक गाथा, इसे आप लोक कला भी कह सकते हैं। तो इसमें हम सबसे पहला देखते हैं पंडवानी। पंडवानी सबसे प्रमुख है। पंडवानी, तो पंडवानी क्या है तो ये जान लेते हैं पहले। तो जो पांडवों की कथा महाभारत, जिसे कि वेदव्यास जी ने लिखा था, महाभारत याद रखिएगा, महाभारत किसकी रचना है, वेदव्यास की। तो उस महाभारत का छत्तीसगढ़ी रूपांतरण है पंडवानी। याद रखिएगा, पंडवानी किसका छत्तीसगढ़ी रूपांतरण है, तो महाभारत का। महाभारत जिसे वेदव्यास जी ने लिखा है, याद रखेंगे ये महाभारत किसकी, महाभारत का छत्तीसगढ़ी रूपांतरण पंडवानी। अगर हम पंडवानी का अगर विक्षेप करें, संधि विक्षेप करें, तो क्या होगा, पांडवों की वाणी। हाँ, पंड धन वाणी, पांडवों की वाणी। तो याद रखिएगा, ये महाभारत का छत्तीसगढ़ी रूपांतरण है। अब आप लोगों ने महाभारत देखा होगा टीवी पर अथवा पढ़ा होगा, तो जो महाभारत का जो मुख्य किरदार है वो कौन है, अर्जुन। लेकिन यहाँ जो पंडवानी में जो होता है, जो मुख्य किरदार, जो मेन कैरेक्टर कैरेक्टर वो होता है भीम। ये मेन कैरेक्टर होता है, मुख्य किरदार पंडवानी का। जबकि जो महाभारत है वेदव्यास जी द्वारा लिखा हुआ, उसमें जो मुख्य किरदार कौन होता है, उसमें होता है अर्जुन। लेकिन पंडवानी में मुख्य किरदार होगा भीम, याद रखिएगा। अगला याद रखिएगा कि ये जो पंडवानी जो गाया जाता है, जो भी उसमें दोहे चौपाई जो भी गाया जाता है, वो सबल सिंह चौहान के दोहे चौपाई गाए जाते हैं। सबल सिंह चौहान, याद रखिएगा। पूछता है ये अक्सर कि पंडवानी में किनके दोहे चौपाई गाए जाते हैं, तो वो है सबल सिंह चौहान, याद रखेंगे इसे। ये जो सबल सिंह चौहान थे, ये रतनपुर से संबंधित थे। रतनपुर जो कि बिलासपुर में है, जो कलचुरियों की राजधानी थी, तो वे उसी रतनपुर के थे। कौन, सबल सिंह चौहान, इतना याद रखिएगा। अब हम आगे देखते हैं कि पंडवानी की जो पंडवानी जो है वो उसकी दो शाखाएं हैं, अर्थात दो शैलियां हैं। उसमें पहली है वेदमती शैली, ये वेदमती शैली। दूसरी है कापालिक शैली, दूसरी कापालिक, पहली वेदमती। अब देखते हैं इसमें क्या अंतर है। ये जो वेदमती है, इसमें जो है गाने के साथ साथ जो भी मतलब गायन किया जाता है पंडवानी का, तो उस गायन के साथ साथ इसमें नृत्य भी किया जाता है, अर्थात कि जो भी मतलब दोहे चौपाई, क्षमा करेंगे, जो भी दोहे चौपाई जो भी पढ़ा जाता है, बोला जाता है, उसके साथ साथ अभिनय भी किया जाता है। जो भी मतलब भाव भंगिमा भंगिमा प्रदर्शित किया जाता है। जबकि कापालिक शैली में सामान्यतः उसमें जो है मंच पर जो भी गायक है वो बैठ जाता है, बैठकर उसको गाता है, जो भी कथा है महाभारत की जो कथा है उसको गाता है कापालिक शैली में। जबकि वेदमती में अभिनय भी किया जाता है गायन के साथ साथ। तो सामान्य रूप से इसको हम कह सकते हैं कि वेदमती जो है खड़े होकर गाया जाता है और जो कापालिक है उसे बैठ कर गाया जाता है। तो बस यही डिफरेंस है। अब आप जो है इसके प्रमुख गायकों को याद रखिएगा, तो वेदमती शैली के गायक है पर प्रमुख झाड़ूराम देवांगन, दूसरी है तीजन बाई, तीसरे हैं रेवाराम साहू, उसके बाद है पुन्नाराम निषाद। याद रखेंगे इन चारों को। ये पंडवानी गायक हैं, लेकिन पंडवानी गायक गायन शैली में कौन सी शैली, तो वेदमती शैली। अगला देखते हैं हम कापालिक शैली में ऋतु वर्मा। तीजन बाई के संबंध में एक चीज याद रखिएगा, इनको 1987 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। कब, 1987 में तीजन भाई को, और 2003 में पद्म भूषण से, इन्हें तीजन भाई को ही 1987 में पद्मश्री और 2003 में पद्म भूषण।
याद रखेंगे। इस साल छत्तीसगढ़ में पद्मश्री किसे प्राप्त हुआ है, तो याद रखिएगा अरुण कुमार शर्मा, ये पूछ सकता है अभी आने वाली परीक्षाओं में, अरुण कुमार शर्मा। इनको 2017 में जो मतलब पद्मश्री पद्म सम्मानों का जो वितरण किया गया तो उसमें इन्हें पद्मश्री सम्मान दिया गया, पद्मश्री सम्मान। और यही पद्मश्री सम्मान जो है 1987 में तीजन बाई को प्राप्त हुआ था और 2003 में पद्म भूषण। तो अरुण कुमार शर्मा याद रखेंगे, जो कि छत्तीसगढ़ में पुरातत्व वेता है, वेदा है, तो उनको जो है पद्मश्री सम्मान 2017 से सम्मानित किया गया है। तो तीजन बाई याद रखेंगे, तो आपको ये याद रखना है पंडवानी में वेदमती कापालिक, और इनको याद रखना है। तो अब आगे देखते हैं, अब अगला देखते हैं लोरिक चंदा, लोरिक चंदा जिसे चंदैनी भी कहा जाता है। इसको मैं साफ कर लेता हूं। तो लोरिक चंदा, चंदैनी, ये जो है लोरिक और चंदा, हाँ लोरिक एक नाम दूसरा नाम चंदा, तो इन दोनों के बीच जो है प्रेम प्रसंग की गाथा है। क्या लोरिक चंदा, इसे चंदैनी भी कहा जाता है। इसमें जो प्रमुख गायक है उनका नाम याद रखिएगा, चिंता दास, चिंता दास। लोरिक चंदा। अगला है भरथरी, भरथरी, भरथरी जो है राजा भरथरी और रानी पिंगला के वियोग की गाथा है, अर्थात कि वो दोनों पर बिछड़ जाते होंगे तो उसकी गाथा है, उसकी मतलब कहानी को गा गा कर सुनाया जाता होगा भरथरी में। किनके, भरथरी, राजा भरथरी और रानी पिंगला। तो इसमें जो प्रमुख गायिका है याद रखिएगा, सुरुजबाई खांडे, सुरुजबाई खांडे। सुरुजबाई खांडे भरथरी। अगला देखते हैं हम फूलबासन की गाथा। इसको बस आप ऐसे याद रखिए कि छत्तीसगढ़ में एक गाथा है, उस बाद कल्याण साय की गाथा को आप याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ की एक गाथा है। अब देखते हैं हम ढोला मारू की गाथा। ढोला मारू की गाथा जो है मुख्य रूप से राजस्थानी गाथा है, अर्थात जो राजस्थान हमारे यहाँ एक राज्य है तो वहां की ये गाथा है, ढोला मारू की गाथा। इसमें जो है ढोला और मारू की के प्रेम प्रसंग की कथा को गाथा के रूप में सुनाया जाता है। इसमें जो प्रमुख जो गायिका हैं वो यही सुरुजबाई खांडे, और दूसरा नाम याद रखिएगा आप, जगन्नाथ कुम्हार, जगन्नाथ कुमार। एक नाम ढोला मारू की गाथा में सुरुजबाई खांडे और दूसरा जगन्नाथ कुमार, और यही सुरुजबाई खांडे जो है भरथरी गाथा भी गाती हैं, तो याद रखिएगा इतना। तो ये थे गाथाएं। अब हम देखते हैं लोकनाट्य, लोकनाट्य में हम देखेंगे जो जनजातीय लोकनाट्य भी उसी में शामिल कर लूंगा, मैं बता दूंगा मैं आप लोगों को कौन सा जनजातियों में अधिक प्रचलित है। लोकनाट्य, इसमें हम सबसे पहला देखते हैं गम्मत, गम्मत, ये जो है श्री कृष्ण की रासलीलाओं से संबंधित है, और बस आप इतना ही याद रखिएगा। और ये जो है हास्यात्मक और व्यंग्यात्मक शैली का मतलब नाट्य शैली है। इसमें जो मतलब एक तरह से जो कॉमेडी कॉमेडी और जो आजकल जो चल रहा है व्यंग्य, हाँ तो उससे संबंधित है गम्मत। उस बार अगला देखते हैं हम रहस्य, ये भी कृष्ण की रास लीलाओं से ही संबंधित है, रहस्य, रास लीला जो शब्द है रास लीला उसी से ये बना है रहस्य, श्रीमद् भगवद गीता। तो इस रहस्य में क्या होता है, जो पूरे गांव को जो भी मतलब जहां भी ये आयोजित किया जा रहा है रहस्य जिस भी गांव में, तो उस गांव को पूरे ब्रज मंडल के रूप में बदल दिया जाता है, मतलब ब्रज मंडल बना दिया जाता है। जैसे आपने टीवी सीरियल या पिक्चरों में भी देखा होगा जो कृष्ण से संबंधित, तो उसमें जो है जो मतलब कृष्ण का जो गांव दिखाया जाता है, तो उसी टाइप का उसको जो है बनाया जाता है उस गांव को।
जैसे अभी एंड टीवी पर आ रहा है श्री कृष्ण संबंधित एक प्रोग्राम, तो आपने उसमें देखा होगा कि किस तरह से वो जो कृष्ण का गांव होता है, तो ठीक उसी तरह से जो रहस्य में गांव को परिवर्तित किया जाता है, बनाया जाता है, वैसी चित्रकारी की जाती है। तो अब यह चित्रकारी से याद आया कि चित्रकारी यहाँ करेंगे चितेर जनजाति द्वारा, ये आप विशेष याद रखिएगा। रहस्य जो कि रासलीला संबंधित है, पूरे गांव को ब्रज मंडल के रूप में सजाया जाता है, बनाया जाता है और इसमें चित्रकारी किया जाता है। तो चित्रकारी कौन करता है? चितेर जनजाति। चितेर जनजाति जो कि छत्तीसगढ़ की एक जनजाति है जो कि चित्रकार का काम करती है, तो वो यहाँ चित्रकारी का काम करेगी। कहाँ? रहस्य में, याद रखिएगा। अरे जो जो मतलब रहस्य में जो जहां मंचन होगा, कि पूरे गांव में तो मंचन नहीं होगा, पूरे गांव को सजा दिया जाएगा, लेकिन कोई एक स्थान पर उसका मंचन होगा, जो भी वो नाटक करेंगे जो भी, तो उसको क्या कहते हैं, मतलब मंच को कहेंगे बेड़ा। मंच को क्या कहेंगे? बेड़ा, जो भी इनका रंगमंच होगा बेड़ा। और उसके बाद जो भी मतलब खंबा गाड़ा जाता है उसको कहते हैं थुन। ये पूछा गया है पीएससी में शायद तक, थुन, ये जो भी मतलब खंबा गाड़ा जाएगा थुन कहेंगे, और जो इनका जो रंग मंच होगा, जो भी मंच होगा उसे बेड़ा, और चितेर जनजाति द्वारा चित्रकारी। अब अगला हम देखते हैं नाचा। नाचा, नाचा जो है, जब यहाँ छत्तीसगढ़ में मराठों का शासन था, तो जो मराठा सैनिकों के मनोरंजन के लिए जो नाटक जो भी नृत्य किया जाता था उसको कहा जाता था नाचा। आप लोग जैसे कि भी महाराष्ट्र में जहाँ मराठा लोग अभी निवास करते हैं, तो वहाँ का एक लोक नृत्य है नाचा, तो लगभग उसी से कुछ मिलता जुलता कुछ होगा नाचा, जो कि मराठा सैनिकों के मनोरंजन के लिए शुरू किया गया था। इसमें क्या होता था, जो पुरुष पात्र हैं वही महिलाओं का किरदार निभाती थी, और जो महिला का किरदार निभाते थे उन्हें कहा जाता था नाचिया। क्या कहते थे? नाचिया। जो मतलब जो पुरुष महिला किरदार निभाते थे उसको क्या कहते थे? नाचिया। याद रखिएगा। अब अगला हम देखते हैं, ये तो थे मतलब जो मैदानी क्षेत्रों में किया जाने वाला, अगला हम देखते हैं जनजातीय लोक नाट्य। जनजातीय लोक नाट्य, इसमें हम पहला देखते हैं भद्रा नाट। भद्रा नाट जो कि उड़िया नाट से प्रभावित है, उड़िया अर्थात उड़ीसा, उड़ीसा में जो मतलब जो भी नाटक वाटक किया जाता है उससे ये प्रभावित है। कौन? भद्रा नाट। ये कहाँ किया जाता है? विशेष करके ये बस्तर क्षेत्र में किया जाता है भद्रा नाट, और इसे ही कहा जाता है आदिवासियों का थिएटर। क्या कहते हैं? आदिवासियों का थिएटर, याद रखिएगा भद्रा नाट। अगला हम देखते हैं मावपाटा। ये भी बस्तर क्षेत्र में किया जाता है मावपाटा, मुड़िया जनजाति द्वारा, जो कि एक शिकार नाटिका है, मतलब कि वो किस तरह से शिकार करते हैं उसको इसमें प्रदर्शित किया जाता है मावपाटा में। अगला हम देखते हैं खंभ स्वांग। खंभ स्वांग जो कि कोरकू जनजाति द्वारा किया जाता है, किनके द्वारा? कोरकू जनजाति द्वारा किया जाता है खंभ स्वांग। इसमें क्या होता है, वे एक जो है एक खंभा गाड़ते हैं जिसे कहते हैं मेघनाथ खंभा। मेघनाथ खंभा कहा जाता है, जो भी खंभा ये गाड़ते हैं, इसीलिए ये जो नाटक का जो नाम है क्या है? खंभ स्वांग। तो मेघनाथ खंभा स्थापित करेंगे और उसके चारों ओर जो है ये अपना जो भी नाटक जो भी है वो करेंगे। ये जो मेघनाथ खंभा है इसको याद रखिएगा खंभ स्वांग। तो ये थे जनजातीय लोकनाट, इतना आप याद रखिएगा। अच्छा एक चीज और बताना था, दही कांदो।
दही कांदो, ये भी जो है कृष्ण की लीलाओं से संबंधित है। जन्माष्टमी के समय क्या होता है कि जो छत्तीसगढ़ के जो मैदानी क्षेत्र हैं, मैदानी क्षेत्र है, तो वहां के जनजातियों द्वारा ये किया जाता है दही कांदो। क्या करते हैं ये, कदम्ब वृक्ष के नीचे कृष्ण जी का जो भी मूर्ति उर्ति स्थापित करेंगे, उसकी पूजा अर्चना करेंगे, और उसके बाद जो है उसके आसपास कृष्ण की जो भी रास लीलाएं हैं उसको नृत्य के रूप में प्रस्तुत करेंगे, उसका जो भी मंचन करेंगे। तो दही कांदो याद रखिएगा, ये कहाँ किया जाता है, मैदानी क्षेत्रों में जनजातियों द्वारा, और कदम्ब वृक्ष के नीचे श्री कृष्ण जी की प्रतिमा स्थापित की जाती है, याद रखेंगे इतना। तो आज हमने ये देखा छत्तीसगढ़ के जो भी लोक गाथाएं थी और लोक नाट्य, तो मुझे पूरी आशा है कि मेरे द्वारा जो भी समझाया गया आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कहीं कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे मैं जो भी वीडियो डालूं वो आप तक तुरंत पहुंच सके। इसके लिए आप क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो उसके बगल में ही जो बेल का आइकॉन होता है, घंटी का जो निशान होता है, उसे भी दबा दें ताकि आपके मोबाइल में सबसे पहले मेरा वीडियो आ जाए। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।